हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट टीजीटी पीजीडी से रिलेटेड। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि वीडियो ऐसे ही है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी, यदि आपको ना समझ में आया तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, UPSC SSB PGT रिक्रूटमेंट 2021 उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता के 2595 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार मंगल से शुरू हो गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पहले दिन गणित और अंग्रेजी विषय के 335 अभ्यर्थी बुलाए। पहली पाली में सुबह 8 बजे इंटरव्यू शुरू होना था, लेकिन अभ्यर्थी 7 बजे से जुटने लगे। 7:30 बजे एंट्री शुरू हुई। साक्षात्कार सुबह 8:15 बजे से शाम 7 बजे तक चलता रहा। सोचिए कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद में बुलाया जा रहा है, तभी इतनी देर तक इंटरव्यू चलता रहा। भर्ती में अधिकतम आयु सीमा ना होने से लाइन में अभ्यर्थी 45 या 50 की उम्र के भी थे। उनकी आँखों में एक अदद नौकरी की चाह और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। इंटरव्यू के लिए इन्हें 2 से 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। IIT से MNC कर चुके कुछ अभ्यर्थी भी गणित का इंटरव्यू देने पहुंचे थे। इंटरव्यू बोर्ड ने सबसे पहले परिचय, वर्तमान में क्या कर रहे हैं जानना, इसके बाद प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया। कई कठिन प्रश्न पूछे, विषय विशेषज्ञ ने अधिक सवाल पूछे। गणित के 130 अभ्यर्थी के लिए 2 और अंग्रेजी के 195 अभ्यर्थियों के लिए 3 बोर्ड बने थे। सो फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से साक्षात्कार चल रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो है, इनफैक्ट जिनके साक्षात्कार जिसे नहीं है, वो स्टूडेंट्स जाके पता कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा डेस्परेशन है, इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर पैनिक, इतनी टेंशन है इंटरव्यू को लेकर। तो टेंशन बिल्कुल मत करिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप लोगों को आता है, अगर आपने सब्जेक्ट उसका रिवाइज़ किया है, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा जाएगा। एंड आई होप आप लोग ज़रूर सेलेक्ट होगी, मेरी ईश्वर से यही कामना रहेगी। फ्रेंड्स, अब आपको बता दूँ TGT PGT के रिजल्ट से रिलेटेड, तो रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 अक्टूबर से पहले, और सूत्रों के मुताबिक यह आ रहा है कि कल PGT के बाकी विषयों पर रिजल्ट जारी हो सकता है, और अगर कल नहीं हुआ तो 10 तारीख से पहले। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें, और परेशान बिल्कुल ना होइए, आप तक हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी, और बहुत अच्छा होगा, सेलेक्ट भी होगे। थैंक यू।